अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बनाने वाले हैं रेड सॉस पास्ता। तो देखिए, सबसे पहले हमें जो है टमाटर को बीच में से कट कर लेना है। उसमें हम सूखी मिर्च भी साथ में जो है ऐड करके अच्छे से उबाल लेंगे। तो देखिए, अच्छे से उबल चुका है टमाटर का जो है, हमें छिलटा निकाल लेना है। तो अच्छे से जो है इसे हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। इन दोनों को जो हमें ग्राइंड कर लेना है। तो देखिए, दोनों को मैंने अच्छे से जो है पीस लिया है। तो चलिए, अभी जो है हमने पैन चढ़ा दिया है, उसमें बटर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा ऑयल ऐड कर देंगे, बारीक कटी हुई लहसुन ऐड कर देंगे, बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करके अच्छे से दोनों को भून लेंगे। उसके बाद देखिए, मैंने जो है बारीक कटा हुआ शिमला मिर्च उसे भी ऐड कर दिया है। तो हल्का सा इसे भी हम रोस्ट कर लेंगे। उसके बाद जो हमने सॉस बनाया था उसे हम ऐड कर देंगे। 2 मिनट तक इसे भी अच्छे से भून लेंगे। तो देखिए, अभी जो है हम इसमें चिल्ली फ्लेक्स ऐड कर देंगे, ऑरिगेनो ऐड कर देंगे, ब्लैक पेपर पाउडर ऐड कर देंगे, लास्ट में जो है नमक ऐड कर देंगे। तो सभी को हमें अच्छे से भून लेना है। तो देखिए, अभी जो हम उबला हुआ पास्ता ऐड कर देंगे। पास्ते को मैंने पहले से बॉईल कर लिया था। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो देख सकते हैं, हमारा झटपट पास्ता जो बनके रेडी हो चुका है, बहुत ही ज़बरदस्त बना था गाइस। तो आप इसे बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो, बहुत ही जल्दी और झटपट बन के जो है तैयार हो जाता है। ऊपर से देखिए, मैंने स्लाइस चीज़ भी ऐड किया है। रेसिपी अगर पसंद आ रही तो लाइक एंड शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना।